So once again, very good morning. So in the previous part, we did about the orbital velocity. Okay, in the orbital velocity, if you have any problem, then you can ask. Any problem, 21? Okay, very good. So today topic, we have to do the next part, that is the geostationary or geosynchronous satellite. Have you ever heard about the term GPS? GPS system, sunen? Yes or no? GPS means Global Positioning System. GPS का मतलब क्या होता है? Global Positioning System. So in that Global Positioning System, in that GPS, we are having GPS होता क्या है? किसलिए use होता है? Why the GPS is used? To find out the location. Location, है ना? If I am here, I have to find or go to the Delhi. And I do not know the location of that Delhi part because Delhi is too big. तो मुझे किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा? GPS का यूज़ करना पड़ेगा. And GPS में क्या है? सेटेलाइट ही तो एक तरह से जो हमें क्या बताती है, उसकी पोजीशन के बारे में बताती है. और आजकल तो ऐसा GPS भी है कि हम घर बैठे बैठे भी देख सकते हैं कि हमारे घर किस पोजीशन पे लाई कर रहा है. आपने कभी देखा उस चीज़ को, है ना? तो वही चीज़ है हमारे पास जो आज का टॉपिक है, दैट इज योर जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. ठीक है, जियो का मतलब क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? जियो स्टैंड फॉर अर्थ एंड स्टेशनरी मीन्स रेस्ट. जब अर्थ अपने पोजीशन पे क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी. ठीक है, एंड द सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड दैट ऑर्बिट. सैटेलाइट क्या कर रहा है? उसके अराउंड मूव कर रहा है. देन दैट ऑर्बिट, दैट सैटेलाइट इज नोन एज व्हाट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. और जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या है? सिंक्रोनस मतलब एक जैसा. ठीक है, अर्थ के अराउंड जब सैटेलाइट उसी ऑर्बिट में क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी. जिस ऑर्बिट में क्या कर रहा है? अर्थ रिवॉल्व कर रहा है. देन दैट इज नोन एज व्हाट? द सेम ऑर्बिट इज नोन एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. क्या बोलते हैं उसको? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. ओके, यस. तो सैटेलाइट, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा. The satellite which appears to be at a definite, जो कहाँ दिखाई देती है हमें? Which appears to be at a definite position from Earth. Position from Earth. जो हमें अर्थ की पोजीशन से क्या दिखाई देती है? अपीयर होती है. दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज योर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, और वो अर्थ कैसी होनी चाहिए? स्टेशनरी होती है, मतलब अपनी पोजीशन पे क्या करनी चाहिए? रिवॉल्व करना चाहिए, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पे ना मूव करे. ओके, सो दैट टाइप ऑफ अर्थ सैटेलाइट इज नोन एज व्हाट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. अब आपको पता है इसका टाइम पीरियड कितना होता है? जब ये सैटेलाइट रिवॉल्व करती है इस अर्थ के अराउंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड? द टाइम पीरियड इज 24 आवर्स. कितना टाइम पीरियड होना चाहिए इसका बेटा? टाइम पीरियड इज 24 आवर्स. ठीक है, और साथ में इसका जो हाइट है, मतलब मान लीजिए ये अर्थ है एंड हियर इज अ सैटेलाइट, यहाँ पे एक सैटेलाइट है आपकी. ठीक है, तो इसके बीच का जो हाइट होगा, दैट हाइट इज व्हाट? हाइट इज 36,000 किलोमीटर. यानी कि इतनी दूरी पर सैटेलाइट होती है 36,000 मीटर पर, सो दैट सैटेलाइट विल रिवॉल्व अराउंड इट एंड इट विल नॉट कम इनटू द पाथ ऑफ द अर्थ. ठीक है, अगर जियोसिंक्रोनस होता है तो जियोसिंक्रोनस में क्या होता है? आपकी सैटेलाइट अर्थ की पोजीशन में ही लाई करते हैं, अर्थ आगे सैटेलाइट इसके पीछे पीछे. ठीक है, उसी ऑर्बिट में लाई करती है. अब साथ में इसके जो मतलब ऑर्बिटल स्पीड होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, ऑर्बिटल स्पीड वो कितनी होती है बेटा? वी नॉट इज इक्वल टू 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड. दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ योर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. कितनी है बेटा? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, और इस सैटेलाइट को हम एक और नाम देते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट. क्या नाम देते हैं बेटा? इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट. व्हाई इज नोन एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट? क्यों बोलते हैं इसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट? एनी आइडिया? इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट. अब एक चीज बताइए, जो स्पेस में बैठे हैं लोग, ठीक है, वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे जो यहाँ अर्थ पे हैं?
कैसे कम्युनिकेट करेंगे? थ्रू दिस ओनली, इसी से ही जो पर्सन है वो कम्युनिकेट करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कम्युनिकेशन सेटेलाइट रखा गया। और पहला जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट था दैट इज नोन एज टेलस्टार। टेलस्टार नाम भी सुना होगा, यूएसए ने फाइंड आउट किया था, फर्स्ट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट टेलस्टार था, यूएसए ने फाइंड आउट किया था। और कौन से ईयर में किया था? 1962 में किया था। कौन से ईयर में किया था बेटा? 1962। और साथ में इसके बाद जो हुआ वो इनसेट टू भी आया, इनसेट टू सी आया जो इंडिया ने वो किया था, ठीक है। अब जो सेटेलाइट होते हैं, पता है आपको सेटेलाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्वेटोरियल सेटेलाइट और एक होता है पोलर सेटेलाइट। इक्वेटोरियल समझते हैं आपने, ये एसएस में पढ़ा होगा। व्हाट इज इक्वेटोरियल? ये आपका अर्थ है, ठीक है। इक्वेटर यहाँ पे ऐसे लाइट करता है। अगर सेटेलाइट इस पोजिशन में क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल पोजिशन में, इस तरह से, ठीक है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, देन दिस टाइप ऑफ सेटेलाइट इज नोन एज योर इक्वेटोरियल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटोरियल सेटेलाइट। ओके, एंड इफ दिस सेटेलाइट, अगर ये भी सेटेलाइट कुछ इस तरह से रिवॉल्व करता वर्टिकली, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज योर व्हाट? दिस इज नोन एज योर पोलर सेटेलाइट। पोलर मीन्स वर्टिकल पोजिशन में करेगा, और जो क्या कहते हैं आपका क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल सेटेलाइट था वो किस में करेगा? इट विल मूव इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन। समझ आया मेरा बात? और पोलर सैटेलाइट जो है रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होता है। पता है रिमोट सेंसिंग क्या होता है? व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? एनीवन ऑफ यू नो अबाउट द रिमोट सेंसिंग?